जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें शायद गांधी का जो असली उनका जो असली उपदेश है, उनकी जो असली रूह है, उसकी सबसे ज़्यादा रेलेवेंस है। कभी इतनी बड़ी रेलेवेंस हुई नहीं है, क्योंकि गांधी की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक बुनियादी प्रिंसिपल था हिंदू मुस्लिम एकता, और इसकी खातिर वो और उनके साथ ही जो दो चार साथी थे वो किसी चीज़ को भी कुर्बानी दे सकते थे, और आज वही सबसे बड़े ख़तरे में हैं। इसलिए गांधी की रेलेवेंस तो आज इतनी है कि कभी थी ही नहीं। शायद यह है कि गांधी को हम उसके असली उपदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बजाय इसके कि उसको हार फूल मालाएं वगैरह पहना के और उसको एक तरह का या डेमी गॉड या हीरो बना के पेश करें। हिंसा का जहाँ तक सवाल है, हमारे जीवन का दूसरा नाम हिंसा हो गया है। वो हिंसा एक रोड रेज भी हो सकती है, जिसमें जिसको चाहें आप उठा के गोली मार दें। वो हिंसा अगर आपके ख़िलाफ़ कोई विचार प्रकट करे उसको उठा के गोली मार दें। वो हिंसा अगर आप किसी पे ज़रा सा भी या आपको शुबा हो या आप किसी और वजह से उस पर आरोप लगाना चाहें कि वो किसी न किसी तरह से गाय के गोश्त खाने का गुनहगार है, उसको उठा के गोली मार दें। और इतनी ज़्यादा इम्प्यूनिटी से ये कुछ हो रहा है, और हिंसा के ख़िलाफ़ गांधी जी की पूरी ज़िंदगी थी। कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी ये जो जुमला है, ये जो लोग अदा कर रहे हैं वो किस मुल्क में खड़े हैं और कहाँ सांस ले रहे हैं, ये भी तो सोचें। बड़ा ये एक तरह से जोक सा होता है, सब हंस पड़ते हैं जब ये जुमला लोग अदा करते हैं। मतलब ये कि मजबूरी थी उनकी कि जाके और वो पोरबंदर में जाके एक नमक की मुट्ठी उठाएं और लाठियां खाएं, और क्या मजबूरी थी उनके लिए। औरत मर्द गांधी खुद 80 साल के गांधी लाठियां खा के वहाँ गिरे पोरबंदर में, क्या मजबूरी थी उनके ऊपर, क्या मजबूरी थी उनके कि अच्छे खासे एक वकील ने अपने पूरा लिबास उतार के एक लंगोट पहन के पूरे हिंदुस्तान में एक डंडा लेके घूमे, क्या मजबूरी थी उनके लिए।